Hello everyone. So last class we discussed about spot healing tool. Last class में हम लोग spot healing tool के बारे में देखे थे कि spot healing tool कैसे काम करते हैं. So I hope you understood last जो class हम लोगों ने complete किया था spot healing tool का. I hope सबको बहुत अच्छे से उसको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आया होगा. सो टुडे हम लोग देखेंगे हीलिंग टूल कैसे काम करते हैं फोटोशॉप 2020 के अंदर. सो अब ये हीलिंग टूल है क्या, स्पॉट हीलिंग टूल क्या था, कोई भी स्पॉट या कोई भी मार्क वगैरह उसको रिमूव करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज कर रहे थे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. यहाँ पे है हीलिंग ब्रश टूल, यहाँ पे हम लोग कुछ भी स्पॉट नहीं, कुछ भी चीज को, कोई भी चीज को, नॉट ओनली स्पॉट, कोई भी चीज को हम लोग एक लेवल तक रिमूव कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं. तो इसी के लिए ये टूल का नाम दिया हुआ है हीलिंग टूल. कोई भी चीज को हम लोग एडजस्ट मतलब ठीक ठाक कर सकते हैं बाय यूजिंग हीलिंग टूल. कोई बिगड़ा हुआ चीज है, हो सकता है अदरवाइज, हो सकता है कोई चीज को रिमूव करना है, हो सकता है कोई चीज को डुप्लीकेट करना है, फोटो के साथ खेलना है, तो वी कैन यूज हीलिंग टूल. हीलिंग टूल बहुत अच्छा टूल है, एक बोल सकते हैं हम लोग एक पावरफुल टूल, बहुत एक पावरफुल टूल है हीलिंग टूल. यूज होता है हीलिंग टूल, स्पॉट हीलिंग टूल, ये दो चीज बहुत बहुत अच्छे से यूज होता है. तो लेट्स विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं हीलिंग टूल. हीलिंग टूल कैसे काम करेगा, हीलिंग टूल के साथ कैसे हम लोग खेलेंगे, लेट्स सी. सो पहले आ जाते हैं हम लोग हीलिंग टूल का शॉर्टकट जे है, तो यहां से जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों का हीलिंग ब्रश टूल. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है लास्ट क्लास में. इफ कोई मिस किया है लास्ट क्लास तो प्लीज काइंडली चेक द प्रीवियस क्लासेस. स्पॉट हीलिंग टूल, लैसो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, 2020 का द मेन फीचर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सो वो सब देख सकते हैं. एंड टुडे हम लोग करेंगे हीलिंग ब्रश टूल. सो जैसे ही मैंने हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट किया तो ऐसे एक ब्रश काइंड ऑफ टूल्स आ जाएगा, ब्रश काइंड ऑफ टूल राउंड करके एक टूल आ गया, जैसे हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में यूज किया था. तो सेम थिंग, जो कॉन्सेप्ट मेरा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेयर में होगा. मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि इसी लेयर के ऊपर करें तो या वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज, मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि अगर हम लोग बिफोर एंड आफ्टर चेक करेंगे कि अभी कैसा है एंड आफ्टर यूजिंग हीलिंग टूल कैसे होगा, कैसे हुआ है, वो आउटपुट चेक करने के लिए हम लोगों को बिफोर एंड आफ्टर, पहले कैसा था अभी कैसा हुआ, ये चेक करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा. सो ये देखना बहुत जरूरी होता है ताकि परफेक्शन कैसे आ रहा है, परफेक्शन कितना हो रहा है ये जानने के लिए. तो उसके लिए हम लोग हो सकते हैं ये जो लेयर है इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं कंट्रोल जे प्रेस करके. जैसे डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल जे किया मैंने तो डुप्लीकेट हो गया एंड इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं ताकि कोई भी अगर काम करे तो जो आउटपुट होगा वो इसी लेयर पे होगा. एंड हम लोग बिफोर कैसे था उसको चेक कर सकते इसको ऑफ करके. तो ऑब्वियसली अभी कुछ मैंने शुरू ही नहीं किया हूँ, चेंज नहीं किया हूँ तो यहाँ पे आएगा नहीं. तो एक प्रोसेस तो ऐसे हो सकता है, यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस. और मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट बटन होता है, मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ तो ये डिलीट बटन में, तो ये डिलीट हो जाएगा. और एक क्या कर सकते हैं हम लोग, एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे होता है क्रिएट न्यू लेयर, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग तो एक ब्लैंक लेयर क्रिएट हो जाता है. तो अब ये लेयर के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं. तो उससे पहले यहाँ पे सैंपल में जाना पड़ेगा
एंड सैंपल में होता है करंट लेयर, करंट एंड बिलो एंड ऑल लेयर। अगर हम लोग करंट लेयर पे करेंगे काम तो ये ओनली इस लेयर पे होगा। करंट एंड बिलो मतलब करंट में एंड बिलो में दो लेयर पे काम होगा, एंड ऑल लेयर्स में मतलब इस लेयर पे, ये लेयर पे, एंड अगर मेरे पास और भी तीन चार लेयर नीचे मौजूद होगा तो उसमें भी वो काम करेगा। सो लेट्स हम लोग ऑल लेयर्स कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान पे रखना कि सैंपल में जाने के बाद आप कौन सा लेयर में चाहते हो उसी लेयर पे काम करना। अगर ऑल लेयर पे चाहते हो तो ऑल लेयर पे, अगर करंट लेयर में चाहते हो तो करंट लेयर पे या करंट एंड बिलो में। सो मैं बेसिकली ऑल लेयर्स में करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। सो बट ऑब्वियसली इट्स अप टू यू कौन सा लेयर पे करना है, सो कर सकते हो, नॉट ए मैंडेटरी थिंग कि ऑल लेयर्स पे करना है। सो लेट्स सैंपल को ऑल लेयर्स में हम लोग सिलेक्ट करके मूव कर जाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मोड नॉर्मल होता है, एंड इसका मोड में अगर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, रिप्लेस, मल्टीप्लाई, स्क्रीन डार्कनेस, कलर, ल्यूमिनोसिटी। तो अभी हम लोग कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन ये है कि रिप्लेस मल्टीप्लाई से ये कुछ ज्यादा होगा कुछ नहीं है, नॉर्मल से ये बहुत अच्छा आउटपुट दे देता है। तो रिप्लेस मल्टीप्लाई करने का कुछ जरूरी होता नहीं है, ऐसे कोई यूज उतना करता नहीं है इसमें अगर रिप्लेस मल्टीप्लाई करना है तो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है मल्टीप्लाई स्क्रीन डार्कन, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एक्चुअली ब्लेंडिंग मोड। फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड होते हैं, तो मल्टीप्लाई स्क्रीन डार्कन उन लोगों में से दो तीन ऐसे है। तो हम लोग ब्लेंडिंग मोड के बारे में फोटोशॉप में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट क्लास हम लोग, जब ब्लेंडिंग मोड में जब हम लोग आएंगे क्लास में, तब हम लोग ब्लेंडिंग मोड में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मल्टीप्लाई, व्हाट इज स्क्रीन, एक एक ब्लेंडिंग मोड हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इसको हम लोग नॉर्मली रखते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल रख के मूव करते हैं। यहाँ पे सोर्स मिल जाता है, सोर्स में दो ऑप्शन मिलता है, एक होता है सैंपल, एक होता है पैटर्न। तो ऑब्वियसली सैंपल में हम लोगों को जो भी काम करना है वो काम सैंपल में करना है, ना ही पैटर्न में। पैटर्न कुछ टेक्सचर की तरह आ जाता है, तो पैटर्न के बारे में मैं थोड़ा देर में डिस्कस करता हूँ। अभी जो मेन काम है हम लोगों का वो करना है सैंपल्ड में। तो सैंपल में सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सो बाय द वे ये सैंपल में सिलेक्ट ही रहता है, तो ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं सैंपल में सिलेक्ट कर लिया, तो लेट्स आई क्लिक ऑन सैंपल। अब सैंपल में सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये फर्स्ट द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरे को यहाँ पे क्या करना है। सो मेरे को यहाँ पे ये जो कैट है, ये जो बिल्ली है, ये जो कैट है, इसको लेट्स डुप्लीकेट करना है। ये कैट को मेरे को और भी यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे या यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे भी दूसरा जगह पे सेम कैट को चाहिए। वी नीड सेम कैट ऑन डिफरेंट प्लेसेस। सो हाउ वी विल डू दैट वन, तो फोटोशॉप के अंदर इसके करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, उनमें से एक है हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। और जो बाकी सारे टेक्निक है वो दूसरे टूल से कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली वी विल डू दिस थिंग ऑल्सो ऑन नेक्स्ट क्लासेस। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब दूसरा टेक्निक भी सीखेंगे। तो आज हम लोगों का जो टूल है उस टूल का नाम है हीलिंग टूल। तो हीलिंग टूल से कैसे इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, सो लेट्स सी। मैं करता हूं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे जो बिल्ली होगा उसको हम लोगों का जो टूल रहता है, हम लोगों का टूल कैसे होता है, सो लेट्स थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। एंड लेट्स हम लोगों का जो टूल है, मैं क्लिक किया हीलिंग ब्रश टूल में, एंड सी हम लोगों का जो टूल है वो टूल बिल्ली से छोटा है। लेट्स ये क्लियर कर लेना कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा उससे हम लोगों का जो टूल रहेगा वो बड़ा होना चाहिए, ताकि हम लोगों को जो टूल है, हम लोगों का जो टूल है वो टूल ऑब्जेक्ट को पूरा कवर करे। तो कवर कैसे करेगा, जब तक वो बड़ा नहीं होगा ऑब्जेक्ट से तब तक वो पूरा ऑब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ओनली यही एरिया कवर होगा, या ओनली इसका फेस एरिया कवर होगा, पूरा एरिया कवर नहीं होगा। सो फॉर दैट हम लोग ब्रश साइज को, जो टूल का साइज है
उसको इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए थर्ड ब्रैकेट का क्लोज जो होता है तो उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। सो लेट्स ऑलमोस्ट इतना तक कर लिया। तो सी इसमें ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो कैट है वो पूरा आ रहा है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के साथ मेरा बैकग्राउंड का भी तो हिस्सा आ जाएगा। तो यस हाँ आ जाएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट के पीछे तो बैकग्राउंड रहेगा। तो ऑब्वियसली जब हम लोग इसको कॉपी करेंगे तो बैकग्राउंड के साथ मेरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मेरा जो बैकग्राउंड का हिस्सा है वो भी आ जाएगा, मतलब जो स्काई है वो भी आ जाएगा। तो नो टेंशन, बाद में हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, लेट्स आई शो यू। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए जिस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है, सिंपल सा, जिस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे किसको डुप्लीकेट करना है, इस यहाँ पे कैट को डुप्लीकेट करना है। तो अगर यहाँ पे कैट को डुप्लीकेट करना है तो हम लोगों को कैट को कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए क्या होगा, एग्जैक्टली इस जगह पे आके अल्ट पकड़ के, हम लोगों का जो कीबोर्ड होता है कीबोर्ड का अल्ट पकड़ के, जैसे हम लोगों ने अल्ट पकड़ लिया, सो अल्ट पकड़ जैसे लेते हैं मैं, अल्ट में जैसे मैं प्रेस करता हूँ, सिंपल मैं अभी अल्ट का प्रेस छोड़ दिया तो ये ब्रश में आ गया। बट अगर मैं अल्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो सी ये छोटे छोटे में एक आइकॉन आ गया। यू कैन सी, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो यू कैन सी, मैं अल्ट पकड़ा हूँ तो सी ये बहुत छोटे साइज में आ रहा है। मतलब अगर ये साइज में आ रहा है मतलब वो रेफरेंस लेने के लिए रेडी है, मतलब कॉपी करने के लिए रेडी है। बट कॉपी कैसे करना पड़ेगा, मैं अल्ट पकड़ूंगा एंड जिसको कॉपी करना है, जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जस्ट माउस से क्लिक कर देना, जस्ट माउस से क्लिक कर देना, बट क्लिक करना अल्ट पकड़ के, अल्ट प्रेस करके, अल्ट को छोड़ना नहीं। जैसे अगर अल्ट को मैंने छोड़ दिया तो ब्रश आ जाएगा, बट अल्ट को पकड़ना पड़ेगा। सो प्रेसिंग अल्ट एंड बाई यूजिंग माउस जस्ट क्लिक इट। सो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सी मैंने क्लिक कर लिया। अब इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं रिलीज कर दिया अल्ट से हैंड को, अल्ट और नहीं पकड़ना, अल्ट को रिलीज कर दिया मैंने, माउस को भी रिलीज कर दिया। एंड अब मैं साइड में आऊंगा तो यू कैन सी ये ढूंढ रहा है जगह कि कौन सा जगह में हम लोग इसको पेस्ट करें। सो लेट्स हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, लेट्स हम लोग इसको पेस्ट करते हैं इस जगह पे। मैं मूव कैसे कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं स्पेस बार से, कीबोर्ड का जो स्पेस बार होता है उसको मैं प्रेस करके, उसको जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो ये हैंड टूल आ जाएगा, सी एक हैंड का निशान आ गया। तो मैं हैंड टूल से इसको मूव कर रहा हूं, तो जैसे ये मूव कर रहा हूं तो ये ऑलमोस्ट मैंने एक जगह देख लिया कि यहाँ पे मेरे को ये इसको पेस्ट करना है। तो सी अभी सेम थिंग, अभी पेस्ट करने के लिए कुछ करना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ बहुत कुछ करना है नहीं है, जस्ट क्लिक कर देना है, जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे क्लिक कर देना है। सो जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे ही क्लिक करना है। लेट्स हम लोगों को कहाँ पे चाहिए, हम लोगों को यहाँ पे चाहिए। तो ऑब्वियसली एक बार ये देख लेना कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये लाइन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो अगर इधर में बैठ जाएगा तो ये थोड़ा ऊपर में आ जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल पोजीशन में ये नहीं बैठेगा, तो वो देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसको थोड़ा आराम से देख लेना, हो सकता है तो और भी जूम कर लेते हैं हम लोग एंड सी ये इस जगह पे सही बैठ रहा है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसका बैकग्राउंड कलर, मतलब ये जगह का बैकग्राउंड कलर एंड ये जगह का बैकग्राउंड कलर तो एक नहीं है, ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट। इस जगह का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क टाइप का है एंड इस जगह का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट टाइप का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून है तो मून का लाइट थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा गिरेगा और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क गिरेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दूर में है। तो ये जगह में फर्क है। तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो इसका जो बैकग्राउंड है ये हो सकता है यहाँ पे आ जाए,
तो देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है। सो लेट्स हम लोग जूम करते हैं एंड मैं थोड़ा ऐसा देख लेता हूँ कि ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि इट्स गुड, इस जगह ठीक है, तो जस्ट क्लिक कर देता हूँ। सो मैंने क्लिक कर दिया। सो सी, एक सुपर बहुत अच्छा एक आउटपुट मेरे को दे दिया है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ बैकग्राउंड का। ये हीलिंग ब्रश टूल का एक प्लस पॉइंट होता है कि आप जहां से कॉपी करोगे, चाहे उस बैकग्राउंड का कलर या उसका उसका एनवायरनमेंट का कलर, जहां से कॉपी कर रहे हो उसका अगर एनवायरनमेंट का कलर थोड़ा डार्क भी हो और आप जहां पे उसको पेस्ट कर रहे हो उसका एनवायरनमेंट का कलर अगर लाइट है, तो वो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप ऑटोमेटिकली इसको एनालाइज करेगा एंड एनालाइज करने के बाद लाइट को मैच कर देगा। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका जो एनवायरनमेंट है, मैं मूव टूल में सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि डिस्टर्ब ना हो। सी, इसका जो एनवायरनमेंट है इसका एनवायरनमेंट के साथ टोटली इसने मैच कर दिया है। जो कैट है एंड जो एनवायरनमेंट है ये पूरा मैच हो गया है। एग्जैक्टली लाइटिंग, एग्जैक्टली प्रॉपर शेडो मैच हो गया है जो एग्जैक्टली यहाँ पे था। सो यू कैन सी दो इमेज यहाँ पे आ गया है। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क टाइप का लग रहा है, एग्जैक्टली इस टाइप का ही यहाँ पे जैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग जे प्रेस कर लेते हैं, जे, सो हीलिंग टूल ले लेते हैं एंड लेट्स, मैं अल्ट पकड़ के जस्ट यहाँ से क्लिक करता हूँ, अल्ट पकड़ के क्लिक कर लिया एंड इवन मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आके अगर मेरे को यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है, चलो मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड करके रखता हूँ, ये साइड करके, सो थोड़ा सा नीचे मैं देखूंगा नीचे ये पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी, लग रहा है ये पैरेलल है, तो जस्ट यहाँ पे आके मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा माउस का बटन से, जस्ट क्लिक। सो सी, ये ऐसे आ गया। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आउटपुट दिया है कि बैकग्राउंड के साथ ये मैच कर गया है। बट अब आप बहुत अच्छे से देखोगे तो एक प्रॉब्लम हुआ है, मैं मूव टूल को सिलेक्ट कर रहा हूं अभी, तो एक प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इसके ऊपर बैकग्राउंड आ गया, मतलब इसका जो बैकग्राउंड था वो ये जो थंब है थंब के ऊपर आ गया। हम लोगों को इसको ठीक करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी इजी ठीक करना। कैसे ठीक करना है मैं बोलता हूं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। देखो इसका कलर अलग है, क्यों अलग है, बिकॉज यह इसका इस साइड का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू दिस टू एनवायरनमेंट एंड इस दोनों का एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सेम है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो कलर था वो कलर देखो यहाँ पे मैच हो गया है एंड इसका एनवायरनमेंट का जो कलर था वो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप एनालाइज करके इसको मैच कर दिया है। तो हीलिंग टूल का ये एक बहुत बड़ा अच्छा चीज है कि ऑटोमेटिकली कलर को एनालाइज करके वो कोशिश करता है उसको उसको मैच कर देने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि हीलिंग टूल कैसे काम करता है यहाँ पे। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं इसको जूम करता हूँ। नाउ हम लोगों को एक प्रॉब्लम है कि ये वाला फंडा, इसको थोड़ा ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी उसको ठीक करने के लिए हम लोग इरेजर टूल्स को यूज कर सकते हैं, इरेजर टूल। सो ऑब्वियसली इरेजर टूल क्या है, सब लोग ड्राइंग वगैरह अगर करते हैं या हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब लोग तो पहले इरेजर यूज ऑब्वियसली सब लोग किया है, बिकॉज पेंसिल से हम लोग अगर लिखते थे तो कुछ प्रॉब्लम्स होता है, कुछ मिस्टेक्स होता है, तो इरेजर से हम लोग उसको रब कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली फोटोशॉप में भी वही कॉन्सेप्ट है, इरेजर। तो इरेजर कैसे आता है, ई प्रेस करोगे शॉर्टकट कीबोर्ड का तो इरेजर आ जाता है, अदरवाइज आप यहाँ पे जाओगे तो भी इरेजर मिल जाएगा। सी इरेजर टूल, सो जो इरेजर टूल एंड इरेजर के अंदर दो टूल है, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस जब आएंगे तब ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे पूरे में। तो अभी के लिए इरेजर जान लेते हैं हम लोग क्या काम करते हैं। सो लेट्स इरेजर टूल सिलेक्ट करते हैं। तो इरेजर टूल देखने में जैसे ब्रश टूल होता है वैसे ही होता है, बट इरेजर टूल क्या करेगा, जो चीज खराब है उसको ठीक कर देगा, मतलब उसको इरेज करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे कौन सा पार्ट इरेज करना है, ये वाला पार्ट इरेज करना है क्योंकि इसके ऊपर ये आ गया है। सो विच थिंग वी नॉट रिक्वायर्ड, वी नॉट रिक्वायर्ड दिस थिंग, दिस एरिया। सो ये कौन सा लेयर पे है पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली ये इस लेयर पे नहीं है,
बिकॉज इस लेयर पे तो ये है मेरा जो ओरिजिनल था, तो ये कहाँ पे है, ऊपर वाले लेयर पे है, तो मैं ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एक बार बैक चेक करने के लिए जस्ट मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। सो सी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक न्यू लेयर लेके अदरवाइज को कॉपी करके करना, ताकि बिफोर एंड आफ्टर, सी बिफोर एंड आफ्टर हम लोगों को पता चले कि पहले कैसा था अभी कैसा हुआ है, पहले कैसा था अभी कैसे हुआ है। नाउ मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये इसी लेयर से आ रहा है, मैं श्योर हो गया। अभी जूम करूंगा एंड जो एरिया नहीं चाहिए उस एरिया को मैं सी डिलीट कर देता हूँ। मैं सी, आई होप यू अंडरस्टूड, सी मैंने इसको डिलीट कर दिया। सो ये पहले के जैसे था वैसे ही ये थम आ गया। लेट्स इक्वल इसको ऑफ ऑन करेंगे, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे ये टूल काम करते हैं। एक बार और भी थोड़ा सा अगर जूम करें तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखे कि ये थोड़ा सा अलाइनमेंट में नीचे हो गया, तो इसको थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। लेट्स सी, सी मैं इसको ऐसे करके इरेज कर देता हूँ। सी जैसे इरेज कर दिया ये ऑलमोस्ट मैच हो गया, ऑलमोस्ट नहीं ये पूरा मैच हो गया। सी अभी ये ठीक ठाक हो गया। नाउ उसको ऑफ एंड ऑन करें एंड चेक करें हम लोग, ऑफ ऑन, ऑफ एंड ऑन, बिफोर एंड आफ्टर। सो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ऑलवेज एक लेयर लेके करना या ऑलवेज डुप्लीकेट करके करना, ताकि क्या चेंजेस हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी होता है। किसको अगर दिखाओगे तुम्हारा प्रोजेक्ट तो तुम क्या उसमें चेंज किए हो वो दिखाना बहुत जरूरी पड़ता है इस फील्ड में, तो इसके लिए इसको ऑफ एंड ऑन करना पड़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड कैसे हीलिंग टूल डुप्लीकेट के लिए काम करते हैं। नाउ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे हीलिंग टूल कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए काम पे आएगा। एंड ये चीज मैं पहले ही बोल देता हूँ, हीलिंग टूल में बहुत बड़ा चीज अगर रिमूव करना है देन इट्स वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। छोटे ऑब्जेक्ट रिमूव करना इट्स वेरी गुड, इट्स इजी, बट बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हीलिंग टूल के अंदर उतना पावर नहीं है कि रिमूव करने में, कि उतना बड़ा टूल रिमूव कर दे, बड़ा ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दे। तो इसके लिए दूसरा टूल है फोटोशॉप में जो ऑनली रिमूव के लिए बहुत अच्छा यूज होता है, तो हम लोग वो टूल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो टूल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रहे तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इजी ऑब्जेक्ट होगा तो हीलिंग टूल रिमूव कर देगा, बट अगर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में अगर आ गया तो हीलिंग टूल शायद ना कर पाए या हो ही नहीं रहा है, होगा ही नहीं हीलिंग टूल से। तो लेट्स, मैं अगर एग्जांपल, मैं यहाँ से जो मून है मून को रिमूव करना चाहता हूँ, तो अगर ऑब्वियसली मून को रिमूव करूंगा तो पीछे का स्काई रहेगा। सो कैसे होगा, तो सिंपल सा फंडा है, हम लोग कैट को कैसे किया, इसका रेफरेंस लेके यहाँ पे पेस्ट किया, फिर इसका रेफरेंस लेके यहाँ पे पेस्ट किया, तो सेम थिंग हम लोग इसी में भी करेंगे। जूम करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा जूम करके काम करना, जब भी कोई भी काम कर रहे हो फोटोशॉप में तो या ग्राफिक्स के अंदर कुछ काम करो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जूम करके काम करना। तो जूम करने काम करने से क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होगा तो वो दिख जाता है, डिटेलिंग करने में इजी हो जाता है, तो ना कि ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर आए। तो इसके लिए अभी से ये प्रैक्टिस कर लेना कि थोड़ा सा जूम करके काम करो ताकि वो इजी हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ब्रश को बाय यूजिंग क्लोज ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट का क्लोज ब्रैकेट। नाउ मैं यहाँ से अल्ट पकड़ के, जैसे अल्ट प्रेस किया, सो सी मैं सिलेक्ट किया एंड मैं अभी हूँ इरेजर टूल में, तो जैसे अल्ट पकड़ रहा हूँ सी कोई कुछ ऑप्शंस नहीं दे रहा है मेरे को, वो छोटा वाला आइकॉन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी इरेजर टूल में हूँ, तो मेरे को जाना पड़ेगा इस टूल पे। सो मैं आ गया हीलिंग ब्रश टूल में, सो क्लिक किया हीलिंग ब्रश टूल में एंड मैं लास्ट में इसको सिलेक्ट किया था तो उसी को दिखा रहा है अभी, तो नो टेंशन, अल्ट पकड़ लेना एंड यहाँ पे क्लिक कर लेना। सो लेट्स अभी सी, अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, सो अभी ये बहुत बड़ा है, सो अगर मैं इसका रेफरेंस लूंगा तो सी मून भी आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरे को तो मून को रिमूव करना है ना कि मून को डुप्लीकेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ब्रश को छोटा करूंगा, कैसे छोटा होता है, ओपन ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट का ओपन ब्रैकेट अगर प्रेस करें हम लोग तो ये छोटा होता है ब्रश,
तो जैसे छोटा हो गया, लेट्स सी दिस वन इज ओके। एंड यहाँ पे ब्रश का साइज होता है, तो ब्रश साइज अभी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ क्या होता है कि हार्डनेस होता है कि कितना हम लोगों का हार्ड सरफेस रहेगा। अगर मैं एज एग्जाम्पल अभी हार्ड सरफेस कितना है 100 है, तो अगर मैं यहाँ से लेके एज एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एज एग्जाम्पल समझने के लिए हार्ड सरफेस क्या होता है, तो अगर क्लिक करता हूँ तो अगर मैं जूम करूंगा तो यू कैन सी इसका जो एजेस होता है, इसका जो एज होता है, ये एज थोड़ा हार्ड शेप में आएगा, हार्ड आता है। सो ये होता है हार्ड सरफेस। अगर हम लोग अगेन मैं जे से लेता हूँ हीलिंग ब्रश टूल को एंड मैं ब्रश शेडिंग में जाके अभी हार्डनेस 100 से डिक्रीज करके 0 कर देता हूँ। 0 करने के बाद अगेन मैं अल्ट पकड़ के यहाँ से पिक करता हूँ एंड यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, तो यू कैन सी दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये ब्लेंड हो चुका है। सी ये ब्लेंड हो जाता है, इसका एजेस ब्लेंड हो जाता है। बट अगर हार्ड हम लोग लेंगे तो साइड में एक पैच टाइप का क्रिएट होता है, ये दाग टाइप का, एक निशान टाइप का आता है। तो ट्राई करना कि ब्लेंड होना, कि ब्लेंड होने के लिए सॉफ्ट यूज करें, ना कि हार्ड सरफेस। तो सॉफ्ट सरफेस के लिए ब्रश का जो हम लोगों का साइज रहेगा, सॉरी जो हार्डनेस रहेगा वो 0 होना जरूरी है। एंड साइज जो हम लोग ब्रैकेट से कंट्रोल कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका साइज, अगर इससे भी छोटा ब्रश का साइज चाहिए तो हम लोग यहाँ से भी इसको छोटा कर सकते हैं। सी 92 82, अब छोटा हो रहा है ना, उसे ये छोटा हो गया। अगर इंक्रीज करेंगे तो ये ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, तो हम लोग उतना तो नहीं चाहिए, हम लोग अभी छोटा ही चाहिए। तो लेट्स मेक इट स्मॉल, मैं छोटा कर दिया। तो उससे पहले कंट्रोल जेड करता हूँ मैं एंड इसको रिमूव कर देता हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हार्ड सरफेस क्या होता है एंड सॉफ्ट सरफेस क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कह तो कि हार्ड सरफेस ही यूज करना है कि सॉफ्ट सरफेस यूज करना है। सो लेट्स आई प्रेफर सॉफ्ट सरफेस, बस कुछ कुछ केस में हार्ड सरफेस भी चाहिए होता है तो उस टाइम पे हार्ड सरफेस यूज कर लेना। सो मैं इसको सॉफ्ट सरफेस से करता हूँ। सो ब्रश का साइज 70 है, हार्डनेस 0 है। स्पेसिंग क्या है बाद में आएंगे हम लोग, अभी इसका जानना बहुत जरूरी नहीं है, इसके लिए स्पेसिंग का कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। तो अल्ट प्रेस करता हूँ एंड माउस से क्लिक करता हूँ, तो इसका रेफरेंस मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सी ये देखिए ये हो रहा है यहाँ पे। सो अगेन अल्ट पकड़ के ऐसे ऐसे करके मैं क्लिक करते जा रहा हूँ। सी अल्ट पकड़ रहा हूँ एंड क्लिक कर रहा हूँ, अल्ट पकड़ रहा हूँ एंड क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से अगेन मैं अल्ट पकड़ रहा हूँ एंड क्लिक कर रहा हूँ। अल्ट पकड़ के थोड़ा ड्रैग भी कर सकते हैं पेंट की तरह, अल्ट करके पिक किया एंड यहाँ पे जस्ट ड्रैग कर लेता हूँ मैं। सी यहाँ पे क्या करो, रब कैसे करते हैं, तो ऐसे रबिंग कर रहा हूँ मैं, अल्ट पकड़ के ऐसे रबिंग कर दिया, अल्ट पकड़ के क्लिक करके मैं थोड़ा सा घुमा दिया, उसको रब कर दिया। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, तो जहां से कॉपी करेंगे उसका सरफेस, उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से मान लीजिए मैं करता हूँ, सो अल्ट पकड़ के क्लिक किया एंड यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा एंड उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देना। तो कैसे, अल्ट पकड़ के ऐसे ऐसे उसके ऊपर और भी 2-3 बार ऐसे कर देना। तो सी अभी कुल एक बहुत बहुत अच्छा आउटपुट मिल गया मेरे को। अगर मैं इसको ऑफ एंड ऑन करूंगा तो सी इट्स वेरी गुड, नाइस काइंड ऑफ इफेक्ट मिल रहा है मेरे को। सो बिफोर एंड आफ्टर, सो इन दिस वे यू कैन यूज योर हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल को इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हम लोगों का हीलिंग ब्रश टूल का वर्क मेनली। एंड यहाँ पे सैम्पल्ड है, मैं पहले ही बोला था कि यहाँ पे और एक होता है पैटर्न। सो पैटर्न एक्चुअली कुछ टेक्सचर होता है, उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट टेक्सचर होता है। ये बाय द वे आई डोंट थिंक इसका वर्क होता है फोटोशॉप में, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा लगता तो नहीं है पैटर्न वाला। तो ये यूज कर सकते हैं, कोई कोई यूज करता है इसको, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको यूज हम लोग करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसको सिलेक्ट करना पैटर्न को, तो इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न आ जाते हैं। मतलब कुछ वाटर का पैटर्न, यहाँ पे वाटर का कुछ पैटर्न मिलता है, टेक्सचर काइंड ऑफ थिंग्स, ट्री का यहाँ पे मिल रहेगा, तो ऐसे कुछ मिल जाएगा। सो अगर हम लोग को ये पैटर्न चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे, अगर वाटर का ये पैटर्न चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे एंड
सिलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली हम लोग अभी हीलिंग टूल में हैं, तो इसको ऑन कर लेंगे या अभी ऑफ है, सो ऑन करेंगे तो जूम करेंगे ब्रश को एंड जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे तो सी उसका पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली मैं जैसे ही बोला था कि स्पॉट सॉरी हीलिंग ब्रश टूल क्या करेगा, कलर को मर्ज कर देगा, कलर को एनवायरमेंट का कलर का हिसाब से वो वहाँ पे देगा, तो सी एनवायरमेंट का कलर के हिसाब से वो इसको मर्ज कर दिया है। अगेन मैं अगर ट्री का कुछ पैटर्न डालूंगा सो सी यहाँ पे ऊपर में ट्री है, ग्रास भी है, तो ये प्रोबेबली ट्रीज है, तो ये ट्रीज अगर चाहिए तो सिलेक्ट कर लिया। एंड ये ट्री कहाँ पे डालना है, लेट सी ये ट्री इसके ऊपर डालना है, तो जस्ट क्लिक कर देना। तो जैसे ही क्लिक कर दिया सो यू कैन सी जूम करेंगे तो पता चलेगा इसके अंदर ट्री का कुछ फ्लो आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड कि पैटर्न कैसे इसके अंदर काम करते हैं, पैटर्न कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैटर्न यूज करना है, मोस्ट प्रोबली ये होता नहीं है पैटर्न वगैरह, तो जो काम होता है हम लोगों का सैंपल्ड में काम कर लेते हैं, तो सैंपल्ड में होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड द क्लास बाई यूजिंग हीलिंग ब्रश टूल। नाउ मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, सो लेट्स मैं आ जाता हूँ इस इमेज पे, एंड इस इमेज पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस इमेज पे हम लोगों ने यूज किया था स्पॉट हीलिंग टूल। सो लेट्स अगर हम लोगों को स्पॉट को भी रिमूव करना है तो हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल तो यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ हीलिंग ब्रश टूल भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्पॉट बहुत छोटा चीज होता है एंड छोटा चीज रिमूव करना स्पॉट हीलिंग टूल से बहुत इजीली हो जाता है एंड इवन हीलिंग ब्रश टूल से भी इजीली हो जाता है। सो लेट्स मैं इसको एक लेयर में लेता हूँ, एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं ऑब्वियसली ले लेता हूँ हीलिंग ब्रश टूल, एंड हीलिंग ब्रश टूल में लेके इसको छोटा करता हूँ एंड अल्ट पकड़ के इधर से ले लेता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो सी एक क्लिक में ये चला गया। सो इवन मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अल्ट पकड़ के यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ कि नियर बाय रेफरेंस, सो इसका नियर बाय रेफरेंस ये ले लेते हैं। सो इधर से इसको अल्ट पकड़ के जस्ट क्लिक किया तो इसका रेफरेंस आ गया मेरे पास एंड यहाँ पे आके जस्ट माउस से एक बार क्लिक कर दिया। तो सी सम यहाँ पे भी अल्ट पकड़ के जस्ट माउस से नियर बाय रेफरेंस को पिक किया क्लिक करके एंड यहाँ पे आके अल्ट छोड़ दिया मैं एंड क्लिक कर दिया। सो यहाँ पे भी ऐसे होगा, तो अल्ट पकड़ के जस्ट क्लिक। सो सी बहुत इजीली बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे कुछ मार्क्स है तो मैं ब्रश को भी छोटा कर दिया, फिर अल्ट पकड़ के क्लिक एंड यहाँ पे क्लिक, अल्ट पकड़ के नियर बाय क्लिक, कॉपी हो गया रेफरेंस एंड यहाँ पे अल्ट छोड़ के जस्ट माउस से पेस्ट कर दिया। सो सी कितना जल्दी एंड कितना एक्यूरेट इससे हो गया मेरा। सो सी कितना अच्छे आउटपुट मेरे को दे दिया। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हम लोगों का जो टूल है, वो टूल को अल्ट पकड़ के रेफरेंस लिया एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सो सी यहाँ पे थोड़ा सा रह गया तो इसका रेफरेंस मैं ये साइड से ले रहा हूँ, तो अल्ट पकड़ के ले लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो सी नाउ इसको अगर बिफोर एंड आफ्टर चेक करें तो चेक कर सकते हैं हम लोग कि बिफोर एंड आफ्टर कैसे इसको आउटपुट दे दिया। सो सी सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, कैसे स्पॉट हीलिंग टूल का हम लोग काम कर सकते हैं। एंड दिस इमेज में मैं दिखा सकता हूँ कि अगर ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, इसको अगर डुप्लीकेट करना है हम लोगों को, इसको अगर दूसरा जगह पे लेके जाना है तो भी हम लोग इजीली हीलिंग ब्रश टूल से कर सकते हैं। तो कैसे होगा, तो जस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक न्यू लेयर क्रिएट किया एंड उसके बाद मैं इसको जूम करके अल्ट पकड़ के इसको कॉपी करूंगा, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है, तो मैं भी मेरा माउस को सॉरी मेरा ब्रश को बड़ा करूंगा ऑलमोस्ट जितना कवर हो जाए, अल्ट पकड़ के इसके अंदर क्लिक करूंगा। सो जैसे ही ये इसको क्लिक किया तो ये मेरा कॉपी में आ गया, रेफरेंस आ गया एंड इसको पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है, लाइक एज एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट करना है, सो जस्ट क्लिक इट। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है, सो सी अभी ये पेस्ट हो गया। नवी नाउ ये प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इसका जो बैकग्राउंड है, मैं मूव टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड अभी वाइट हो गया। क्यों वाइट हो गया, बिकॉज इसका बैकग्राउंड का कॉपी
हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया, तो इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो इसका बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा व्हाइट था, साइड 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 ये थोड़ा सा व्हाइट में था, तो ये सेम थिंग यहाँ पे आ गया है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों के पास इरेजर ऑप्शन है, तो ई ले लेंगे इरेजर से एंड इजिली इसको डिलीट कर लेंगे। जितना पार्ट नहीं चाहिए उतना पार्ट हम लोग इजिली डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इतना पार्ट नहीं चाहिए सो हम लोग छोटा करेंगे ब्रश को। सो हम लोग जूम किया, ई से इरेजर होता है तो हम लोगों ने डायरेक्ट ई प्रेस किया तो आ गया, अदरवाइज आप यहां से जाके इरेजर को सिलेक्ट कर सकते हो, आफ्टर दैट यू कैन डू इट। सो इस जगह को थोड़ा जूम करके करना क्योंकि थोड़ा सा वाइटल एरिया है, इंपॉर्टेंस एरिया है, तो ऐसे भी ये वाइट है, ये मर्ज तो हो गया ऑटोमेटिक। सो फिर भी क्योंकि डिटेलिंग काम करना तो जरूरी पड़ता है, डिटेलिंग ही काम करना पड़ेगा, सो ऐसे करके जस्ट इसको मर्ज कर देना ताकि इसका जो कंट्रोल जेड, सो इसका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाए, उसका बैकग्राउंड ना आए। सो सी अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसको कर दिया है, तो देखिए इसका बैकग्राउंड अभी नहीं आएगा, तो जैसे ही मैंने इसको डिलीट कर दिया बैकग्राउंड को धीरे धीरे हल्का हल्का, सो सी अभी इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा, डिलीट हो गया। सो सी नाउ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कैरेक्टर एंड सेम कैरेक्टर को मैं यहाँ पे लेके आया। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी यूज हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हीलिंग ब्रश टूल को मेनली दो टाइप से यूज कर सकते हैं, आइदर हम लोग उसको कॉपी करके क्लोन बना सकते हैं उसका, एक से और एक डुप्लीकेट बना सकते हैं, दो तीन चार ऐसे डुप्लीकेट बना सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बट ये इम्पॉर्टेंट है, अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू यूजिंग हीलिंग ब्रश टूल, उसके लिए और भी एडवांस टूल है फोटोशॉप के अंदर। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी दैट काइंड ऑफ टूल्स, कैसे एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली आसान तरीके में। तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फॉलो मी, मेरा क्लास को फॉलो कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे को एंड प्रेस द बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि जब भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे तो तुरंत वो चीज़ आप लोग भी सीख जाओ, आप लोगों के पास भी वो चीज़ जल्दी से आ जाए। So kindly subscribe my channel and press the play button. So thank you. I hope you enjoyed the class and it's very, very good thing. So next class mein hum log aur bhi mazedar cheez seekhenge. So thank you all.